प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजनों, अभिभावकों और साथियों सबको इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर देशीय हिंदी दिवस है। हमारा महाभारत एक विशाल राष्ट्र है, बहुभाषी बहुधार्मिक संस्कृति परंपराओं का राष्ट्र है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें देश के अधिकांश लोग बोलने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा मानकर स्वीकार करने का निर्णय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में देश की जनता को एक सूत्र में बांधने की शक्ति दी हिंदी भाषा। उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों की मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन दक्षिण भारत के लोग बिल्कुल अहिंदी प्रदेशी थे। दक्षिण के प्रांतों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए 1918 वर्ष को मद्रास में महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के नाम से एक विश्वविद्यालय संस्था का स्थापित किया था। हिंदी आंदोलन के अभियान में ये संस्था यहाँ के लोगों को हिंदी पढ़ने और समझने में बड़ी सहारा बन गई। 1947 में हमें आज़ादी मिलने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और संविधान के शिल्पी माने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का स्थान राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। देश के सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से हिंदी भाषा का उपयोग अनिवार्य बन गया और राजकाज करने का माध्यम भाषा हिंदी बनी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन में हिंदी का महत्व बढ़ाने के लिए प्रयास करना हर भारतीय का परम कर्तव्य है। हिंदी के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन मिलने को विद्यालयों में छात्रों के लिए कई कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। कहानी लेख, काव्य रचनाएं, नाटक प्रभाषण, कवि सम्मेलन, पुरस्कार समारोह आदि कला कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की भागीदारी होती रहती है। मस्तिष्क के विचारों का आशय विनिमय प्रकट करने का माध्यम है भाषा। हिंदी एक प्राचीन भाषा है, पौराणिक देव भाषा संस्कृत से जन्म भाषा है हिंदी। इसलिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व भर में सबसे ज्यादा लोग बात करने की भाषा चीनी हो तो दूसरे स्थान में हिंदी आती है। इस पर भी हमें गर्व है कि संसार के कोने कोने से भारत की संस्कृति को जानने के लिए विदेशी लोग यहाँ आते रहते हैं। हिंदी भाषा साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु हरिचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि वरिष्ठ लोगों की विचार भावनात्मक रचनाएं हिंदी साहित्य मंडल को पवित्र मंगल बनाई गई है। साहित्य इतिहास के वरदान जन्म सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे महाशयों की कृतियां हिंदी भाषा को असीम सागर बनाती है। मधुर मधुर मनहर हिंदी, अद्भुत शान हमारी हिंदी, युग युग की भाषा हिंदी, युग युग का पानी हिंदी। हिंदी वह सुंदर दर्पण हो जिसमें हर मुग दर्शन हो, मधुर मधुर मनहर हिंदी, अद्भुत शान हमारी हिंदी। बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा हिंदी भारत राष्ट्र की आत्मा का संगीत है, राष्ट्र की एकता के लिए आधारशिला है और वाणी का वरदान है। की आत्मा का संगीत है, राष्ट्र की एकता के लिए आधारशिला है और वाणी का वरदान है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।